So now coming with the, what are the effects, diagnosis and treatment and prevention of AIDS, ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ओके? So effects क्या होता है कि वही है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो उसके पीरियड में जो इंसान होता है वो फीवर, डायरिया, वेट लूज, लाहे सफ़र करना चालू हो जाता है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है? सो इसलिए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। एड्स मतलब क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है? आपका इम्यूनिटी लुक हो जाए, मतलब यू नो वीक हो जाएगा। सो टी हेल्पर सेल का डिफिशियंसी की वजह से आप अगर नॉर्मली माइकोप्लाज्मा, कोई भी वायरस, फंगा या पैरासाइट जैसे टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्ट हो गए, सो देयर इज अ चांस कि आपका इम्यूनिटी सिंस वीक रहेगा, आप मर भी सकते हो, ठीक है? डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, तो याद रख लेना एलाइजा टेस्ट से डायग्नोसिस करोगे। कैसे? एलाइजा टेस्ट से। एलाइजा टेस्ट क्या है, कैसे काम करेगा, बायोटेक में मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है? सो एलाइजा टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हो। एलाइजा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है? सो एड्स का डायग्नोसिस कैसे करवा सकते हो आप, सो एलाइजा टेस्ट से करवा सकते हो। और फिर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप एंटीवायरल ड्रग्स दो, एचआईवी के अगेंस्ट में जो भी ड्रग इफेक्टिव है इनिशियली उसको दो, ठीक है? पर ये आपको ठीक तो नहीं कर सकता, बट इंसान का जो लाइफ टाइम है वो प्रोलॉन्ग कर सकता है, मतलब क्योर तो परमानेंट क्योर नहीं है अभी तक एड्स का, बट यू नो सप्रेस करके रखते रहते हैं वो वायरसेस को, पर इनिशियल स्टेज में उनसे क्योर भी हो सकता है, पर जब सिम्टम्स डिटेक्ट होगा 5 से 10 साल में तब क्योर का थोड़ा चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि तब तक आपके शरीर में वायरसेस पार्टिकल यू नो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस हो चुका होगा, सो ड्रग्स दे देके सप्रेस ही किया जा सकता है, ठीक है? सो नाउ कमिंग द प्रिवेंशन ऑफ एड्स, हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। सो ऑलरेडी ये तो जनरल नॉलेज का बात है, आप लोग जानते ही हो, फिर भी एक बार पढ़ते हैं, ठीक है? सो सबसे पहले हमको ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करना है, कि जो तो यू नो विदाउट नॉलेज इससे निंदे लेके उससे लेकर ड्रग लेते रहते हैं, दैट इज नॉट गुड। एडवोकेटिंग द सेफ सेक्स, ठीक है, डेट पीपल गाँव में जाके, विलेजेस में जाके, थ्रू एनजीओस की मदद से आप गाँव में जाके यू नो नॉलेज देना चाहिए कि ओनली ऑलवेज हैव सेफ सेक्स, यू नो यू शुड हैव प्रोटेक्शंस, एंड इन केस ऑफ एनी सिम्टम्स और एनी डाउट आप जाके ट्रीटमेंट आपको चेकअप कराना चाहिए, अर्ली चेकअप, ठीक है? रेगुलर चेकअप कराना चाहिए एचआईवी के लिए, ठीक है? ब्लड बैंक, जब भी आप ब्लड लो ब्लड बैंक में तो हमेशा चेक करके लो भाई एचआईवी पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, इससे क्या होता है आपका कॉन्डम्स का डिस्ट्रीब्यूशन से आपका पहला बात तो आपका एचआईवी भी प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि बॉडी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, प्लस दूसरा आपका पॉपुलेशन भी आपके कंट्रोल में रहेगा, तो दो फायदा है इसका, ठीक है? जो भी मेडिकल व कहीं भी सिरिंज और नीडल्स यूज होते हैं उसको अच्छे से जगह में डिस्पोज करो जहाँ कोई ह्यूमन का कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है? ये नहीं कि नदी के किनारे उनारे, अच्छे जगह में उसे डिस्पोज करो, ठीक है? और पीपल को एडुकेट करो अबाउट एड्स, ठीक है? मतलब बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जो साई होते हैं, दे थिंक दैट दे हैव सम इन्फेक्शन बट दे फील साई कि अगर मैं बोल दूंगा कि मेरे को एड्स का इन्फेक्शन है तो लोग क्या बोलेंगे, सब मुझसे हटने लगेंगे, ठीक ने? सो ऑल दिस काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स कम टू दी पर्सन एंड मेनी अ टाइम पीपल सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है? सो डेट इज नॉट द सोल्यूशन, कभी भी कुछ हो तो यू नो यू हैव टू फाइट, लाइफ इज ऑल अबाउट डेट, लड़ना ही जिंदगी है, ठीक है? सो इतना जल्दी कोई गिव अप नहीं करना चाहिए, कोई भी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगे, अप्स एंड डाउन आएगा ही, कोई एक ऐसा इंसान जिंदगी में नहीं है जिसका लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आया होगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस एज बट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। सो जिंदगी है तो ऊपर नीचे आते ही रहेंगे, यहाँ जो डट के रहेगा वही जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा, ठीक है गाइस? सो आई होप आपका ये समझ में आया हो। इसके साथ हम लोग का एज टॉपिक खत्म, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कैंसर के साथ, ठीक है? तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, थैंक यू वेरी मच।